नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 3 बजे। आपके साथ मैं हूं चंदन सिंह। यूपी में बढ़ रही आपराधिक घटनाओं के मद्देनजर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया है। इस दौरान समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पुलिस से भिड़ते भी नजर आए हैं। राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के अलग अलग जगह पर जिला मुख्यालयों पर समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं और विरोध प्रदर्शन किया है। समाजवादी पार्टी के नेताओं को रोकने के लिए आज गोरखपुर पुलिस ने हर चौराहे पर नाकाबंदी की थी। इनके जो कार्यालय है वहां पे भी भारी फोर्स की तैनाती की गई थी, लेकिन इसके बावजूद सपा के कार्यकर्ता जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे और इन्होंने ज्ञापन दिया है प्रदेश में भ्रष्टाचार और अपराध को लेकर के पूरे गोरखपुर के समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे थे। बताइए, तमाम कोशिशें आज पुलिस ने की आपको रोकने की, लेकिन आज आप पहुंचे, क्या मैसेज और किस तरह का ज्ञापन आपने दिया? देखिए, हम समाजवादी पार्टी के लोग हैं, जनहित के इशू पे जनता के हित के लिए हमें कोई भी बेड़ियां तोड़ना पड़ेगा तो हम उसे तोड़ करके अपना काम करने का काम करेंगे। आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देश पर हम लोगों को पत्रक जिलाधिकारी गोरखपुर के द्वारा महामहिम राज्यपाल को भेजना था। हम लोग कार्यालय से निकल करके आए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के साथ हम लोग आए हैं। बहुत राहत हम लोग हैं, सरकार से यही चाह रहे हैं कि जो बलात्कारी हैं, हत्या की हैं, उनकी कड़ी से कड़ी सजा हो। कुछ महीनों में उत्तर प्रदेश में जिस तरह से आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं, महिलाओं पर अत्याचार बढ़े, उसको लेकर क्या समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं। जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को उन्होंने ज्ञापन सौंपा और ये मांग की है कि प्रदेश सरकार जो अपराधी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे, अन्यथा समाजवादी पार्टी का जो आंदोलन है इसी तरह से जारी रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप गोरखपुर, दीपक श्रीवास्तव, न्यूज़ 8 गोरखपुर।